नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वीकेंड पर जिस वीडियो का आप लोगों को सबको होता है इंतजार, यानी कि निफ्टी मिड सिलेक्ट की एक्सपायरी पर जो वीडियो है वो लेकर हाजिर हो गया हूं। मेरा नाम है जसबीर और मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट एक ऐसा इंडेक्स है जो बिल्कुल अलग तरह से चलता है। आप लोगों ने फ्राइडे को देखा होगा कि बैंक निफ्टी, निफ्टी इन सब में किस तरह से एक गिरावट आई, लेकिन निफ्टी मिड सिलेक्ट, निफ्टी मिड कैप ये नहीं माना और ये अपसाइड पे पॉजिटिव में ही क्लोजिंग हुई है। दोस्तों एक बार इसका चार्ट देखते हैं और चार्ट पर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। सबसे पहले तो मैं हर बार की तरह बता दूं कि आपको इसका चार्ट किस तरह से, सिंबल सर्च क्या है। सिंबल सर्च में आप जाके लिखेगा निफ्टी मिड, निफ्टी स्पेस मिड लिखेंगे तो आपको निफ्टी अंडरस्कोर मिड अंडरस्कोर सिलेक्ट करके आपको एक आ जाएगा। आप उस पर क्लिक कीजिए तो आपको निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स का चार्ट लगा हुआ दिख जाएगा। याद रखिएगा कि इसमें 25 स्टॉक्स हैं, 25 स्टॉक्स हैं, सिलेक्टेड 25 स्टॉक्स का ये इंडेक्स है। और अगर आप देखेंगे तो शुक्रवार को क्या हुआ है, शुक्रवार को आप देख सकते हैं कि क्या जबरदस्त तेजी दिखाई दी है। अब अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी 150 पॉइंट डाउन में क्लोज हुआ है, बैंक निफ्टी भी 293 294 पॉइंट डाउन में ही, माइनस में ही क्लोज हुआ है फ्राइडे को। लेकिन मिड कैप सिलेक्ट देखिए लगभग लगभग 0.84%, लगभग लगभग 1% तेज रहा निफ्टी मिड सिलेक्ट। सो ये मार्केट से बिल्कुल एक अलग ही दशा और दिशा में चलता है। अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि ये जो तेजी तो दिखाई है बहुत शानदार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तेजी एक फार्स हो, और ये तेजी क्या टिकने वाली है या नहीं। आइए देखते हैं कि क्या हम 9 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा, 100 डेमा कि क्या ऊपर है। जी हाँ बिल्कुल, 9, 20, 50, 100, 200 आइडियल सिचुएशन पर बुलिशनेस बनी हुई है इस इंडेक्स में। और दोस्तों 9 डेमा के अगर ऊपर कोई इंडेक्स चल रहा होता है तो हम लोग हमेशा क्या कहते हैं कि शॉर्ट करने की गलती ना करें। जो पुट होल्ड करके गए हैं उनके लिए सीधा सीधा खतरे की घंटी बजाता हुआ दिख रहा है निफ्टी मिड सिलेक्ट। एक बार को हम फ्राइडे का आप थोड़ा सा देखेंगे कि फ्राइडे को कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जो तेज थे और कहाँ कहाँ पे थी मंदी। अब भाई जब कॉनकोर जैसे, अशोक लेलैंड, एम्फेसिस, ओरो फार्मा, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स तेज चल रहे हो तो भाई ये ऊपर को क्यों नहीं जाएगा इंडेक्स। वहीं एयू बैंक, एयू बैंक में नतीजों का असर था, 1.5% के करीब गिरावट में क्लोज हुआ है। पॉलीकैब, इंड होटेल्स, परसिस्टेंट्स और पेज इंडस्ट्रीज ये भी मंदे में ही हुए हैं क्लोज। अब दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के हैं नतीजे शनिवार को 27 अप्रैल को, उस पर थोड़ा नजर रखिएगा कि कैसे नतीजे आए हैं, वो भी असर डालेगा सोमवार को निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट पर। आइए अब देखते हैं कि चार्ट क्या कहता है। चार्ट जैसा मैंने आपको बताया है कि चार्ट डेली चार्ट कह रहा है कि भाई बुलिशनेस बरकरार है। अब बात करेंगे हम लेवल टू लेवल की, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा 15 मिनट के चार्ट पे। जब हम 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं डेमास पर हमको पता चल गया कि बहुत बढ़िया चल रहा है। अब 15 मिनट्स के चार्ट पे जाएंगे और उसके बाद देखेंगे ऑप्शन चेन भी। देखिए दोस्तों 10,973 पर हुई है क्लोजिंग, 10,973 पर क्लोजिंग हुई है हमको। अब जब तक कि 11,000 पार नहीं लगता, याद रखिएगा कि फ्राइडे को 10,999, 10,999, 11,000 बिल्कुल वहां का हाई लगा है। अब जब तक ये 11,000 पार नहीं करेगा हम लोग अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 11,000 के हो सकता है कि ऊपर ही हमारी ओपनिंग हो, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, 11,000 के ऊपर ही शायद हमारी ओपनिंग सोमवार को होती हुई दिख सकती है। अगर 11,000 के ऊपर ओपनिंग होती है और सस्टेन करेगा, मैंने बोला सस्टेन करता है, तभी हम 11,029 तक का लेवल देख पाने में सक्षम हो सकते हैं। 11,029 के ऊपर अगर हम चलते हैं तो उसके बाद 11,050, 11,050 और 11,050 भी अगर क्रॉस किया तो 11,073, 74 तक के लेवल्स हमको अपसाइड में देखने को प्राप्त हो सकते हैं। और शायद 11,073, 74 के आसपास ही इसका अभी तक का ऑल टाइम हाई भी लगा हुआ है। तो क्या हम सोमवार को एक्सपायरी वाले दिन ऑल टाइम हाई को देखने जा रहे हैं,
देखते हैं कि सोमवार को क्या होता है। लेकिन दोस्तों दिक्कत कहां से आएगी? दिक्कत तब आएगी अगर 10,946 के नीचे जाना स्टार्ट करते हैं। 10,946 के नीचे अगर गए तो ये समझ लीजिएगा कि सीधा सीधा 10,913 का रास्ता जाएगा हमारे लिए, कुल 10,913 का रास्ता सीधा सीधा हमारे लिए खुल जाएगा। और अगर 10,913 भी टूटा तो 10,892, और 10,892 टूटा तो 10,870, 10,869 यानी कि 10,870 तक का क्लियर क्लियर रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे जाएगा। नजर डाल लेते हैं अब एक बार को कि मिड कैप निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है वो क्या कह रही है। 29 अप्रैल को है इसकी एक्सपायरी, और देखते हैं कि क्या कहती है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन कह रही है कि 11,000 यानी कि जो फ्राइडे का हाई है बिल्कुल वहां पर बैठे हैं कॉल राइटर्स, और बहुत तकड़ी पकड़ बना रखी है 11,000 पे। 11,000 के बाद 11,050, 11,025, 11,075 इन सब जगह पर भी, 11,100 पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है। और पुट साइड की अगर बात करेंगे तो पुट राइटर्स कहाँ बैठे हैं? 10,975 पर क्या पुट राइटर्स बैठे हैं? जहां पर हम क्लोज हुए हैं वहां पर पुट राइटर्स का जोन है 10,973, 10,974 के आसपास, 75 के आसपास ही हम क्लोज हुए हैं, वहां पर पुट राइटर्स ने अच्छी पकड़ बना रखी है। 10,950 पर भी पुट राइटर्स बैठे हैं। तो जैसा कि आपको बिल्कुल क्लियर ही बताया है हमने चार्ट पे कि अगर 10,950 टूटता है यानी 10,946 के अगर नीचे जाना स्टार्ट करते हैं तो सीधा सीधा 10,913 का लेवल क्यों आता है वो देख लीजिए। 10,950 टूटेगा तो आपको 10,900 के आस से पहले कहीं पर भी पुट राइटिंग नहीं दिखाई दे रही है। 10,925 पे कोई ज्यादा खास पुट राइटिंग नहीं है तो 10,900, 914 के आसपास का एक आपको लेवल मिल जाएगा। अगर उसके नीचे खिसकना स्टार्ट करता है, अगर यहां से नीचे खिसका तो ये समझ लीजिएगा कि फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस सकते हैं, और हम 10,850 के लेवल भी प्राप्त होता हुआ देख सकते हैं। और वैसे ही लेवल्स पे ये देख लीजिए, 10,892, 10,869 के लेवल्स भी आपको लगते हुए दिखाई दिए हैं। अपसाइड की बात करते हैं कि अगर हम 11,000 को पार करते हैं, 11,000 को पार करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस हमको मिलता है 11,050 पर, 11,050 पर। अब आप लोग कहेंगे कि सर 11,000 के अगर ऊपर हम ओपन हो गए तो ये बैक फुट पे आ जाएंगे साहब जितने भी कॉल राइटर्स हैं, क्योंकि क्या इनके पास है क्या 11,030, 31, 31 रुपए तो पड़े हैं इनके पास, 31 पॉइंट से तो एलटीपी लास्ट में 11,000 का जो है 31। दैट मीन्स अगर 11,030, 31 के आसपास हम ओपन हुए तो ये बैक फुट पे खुलते ही होंगे, और यहां पर हो जाएगी बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग। 11,000, 10,975, 10,950 पे और ज्यादा पुट राइटिंग होती हुई दिख सकती है, और फिर हम अप साइड पे लिए 11,050, 11,050 को टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। और क्यों ना हो 11,100 की ओर भी अगर हम चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिर से एक बार देख लेते हैं, 11,073 तक के तो मैंने लेवल्स लगा ही दिए हैं, 11,100 भी टेस्ट हो सकता है। 11,073 के बाद का भी एक लेवल लगा देते हैं, देख लेते हैं कि क्या लेवल रह सकता है। 11,073 के बाद अगर हमारा लेवल की बात करेंगे तो हमको एक बार को 11,099 यानी 11,100 तक के लेवल्स भी अगर शॉर्ट कवरिंग आ जाती है तो आ सकता है। उम्मीद तो यही है कि एक अच्छा खासा मूवमेंट आना चाहिए मंडे को, बाकी देखेंगे कि क्या होता है सोमवार वाले दिन। ये याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया ही है कि एक तो IDFC फर्स्ट बैंक पर ध्यान दीजिएगा, परसिस्टेंट सिस्टम्स के नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं, वो देखते हैं कि किस तरह से चलता है सोमवार। सोमवार को ये भी देखना जरूरी होगा कि ऑरो फार्मा किस तरह से काम करता है, इंड होटेल्स किस तरह काम करते हैं, ऑरो फार्मा किस तरह काम करता है, परसिस्टेंट सिस्टम्स किस तरह काम करते हैं, फेडरल बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक किस तरह से चलते हैं। बहुत कुछ निर्भर करेगा कि उनके ऊपर कि ये इंडेक्स किस रुख चलता है। लेकिन मार्केट के रुख की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों नेगेटिव साइड पे क्लोज हुए हैं फ्राइडे को, बट ये किस तरफ हुआ है फ्राइडे वो आपको मालूम है, ग्रीन साइड पे क्लोज हुआ है। कहीं पर भी कोई शॉर्टिंग का थॉट अभी तक तो डेमास तो नहीं कह रहे कि कोई भी शॉर्टिंग का थॉट इसमें लाना चाहिए। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि 4 मई 2024 से हम लोग नया बैच ऑप्शंस ट्रेडिंग पर शुरू कर रहे हैं, जो भी आना चाहे खुशी से आ सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। 11 डेज का वो बैच होता है
और 10,000 रुपीज उसका फीस रखा गया, जो कि आप फोन पे, पेटीएम या जीपे से पेमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है वही हमारा फोन पे पेटीएम जीपे नंबर है, 7834876736। ये स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, कमेंट जो पिंड मैसेज है उस पर भी दिख रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में भी दे रखा है। याद रखिएगा कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, और जो भी बातचीत यहाँ की गई है ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑलरेडी लाइक क्लिक कर चुके होंगे, अगर लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, एंड गुड लक फॉर मंडेज मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी। बाय बाय।